तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ रामपुर बुशहर और ये आप यहाँ पे हनुमान जी का स्टैचू देख सकते हो। ये महिषामर्दिनी महालक्ष्मी मंदिर है और यहाँ पे दोस्तों ये सामने आप बिल्कुल रामपुर देख पा रहे हो, नीचे है सतलुज नदी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रामपुर बुशहर। तो चलिए दोस्तों ये रही HRTC की बस। तो यहाँ पे हम रामपुर के पुराने बस स्टैंड में पहुंच गए हैं, तो चलिए मैं आपको नए बस स्टैंड में ले चलता हूँ जो कि पुराने बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहुंच गए हैं न्यू बस स्टैंड ऑफ रामपुर, ये HRTC का बस स्टैंड है। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बसों के साथ साथ प्राइवेट बसें भी देखने को मिलेगी, लोकल के साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग रूट बसें भी चलती है। इसके बाद में दोस्तों रामपुर से दिल्ली के लिए भी यहाँ पे बस जाती है, तो काफी ये डेवलप्ड है, काफी अच्छा ये बस स्टैंड बन गया है, तो काफी सुंदर है दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं आप चंडीगढ़ रिकांगपिओ। तो इसी बस में अभी हम आए, तो ये सीधे अभी रिकांगपिओ जा रही है और ये चंडीगढ़ से आई है। तो दोस्तों ये रूट काफी पॉपुलर है और NH5 के पास है, तो यहाँ से शिमला के लिए बसें भी जाती है और शिमला की दूरी यहाँ से करीब 126 किलोमीटर की है। इसके बाद ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हिमसुत वॉल्वो HRTC की जो रामपुर से दिल्ली के लिए जाती है और ये अभी शाम को 5 बजे यहाँ से चलेगी। तो दोस्तों रामपुर में आपको ऑटो रिक्शा भी चलते हुए दिख जाएंगे और अभी मैं जा रहा हूँ पदम पैलेस। तो यहाँ दोस्तों अभी हम रामपुर के ओल्ड बस स्टैंड के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पदम पैलेस के लिए। तो दोस्तों पैलेस बिल्कुल सड़क के साथ में ही है, यहाँ पे एक नॉनब हेरिटेज होटल है जो कि 4-स्टार होटल है, काफी अच्छा होटल है। तो इसी के साथ में आपको पदम पैलेस देखने को मिल जाएगा। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं बस इसी से आपको एंट्री लेनी है। तो ये रहा दोस्तों द पदम पैलेस। दोस्तों पदम पैलेस रामपुर बुशहर की एक मेजर अट्रैक्शन है। दोस्तों ये पदम पैलेस और रामपुर बुशहर कभी बुशहर रियासत की राजधानी के रूप में काम करते थे, लेकिन आज ये रॉयल फैमिली का एक रेजिडेंस प्लेस बन चुका है। दोस्तों जो पैलेस की फाउंडेशन है वो 1919 में राजा पदम सिंह जी ने रखी थी, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व व लेट मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के पिताजी थे। और दोस्तों जो पैलेस का कंस्ट्रक्शन है वो 1925 में पूरा हुआ था। तो हम तो दोस्तों यहाँ पे शाम के टाइम आए और इस टाइम बहुत ही कम यहाँ पे टूरिस्ट है, बल्कि है ही नहीं। आप देख सकते हैं काफी शांत है बिल्कुल, और ये आप सामने इसका डिजाइन देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। नीचे का जो इसका बेस है वो एक यूरोपियन स्टाइल स्टोन से तैयार किया गया है और जो ऊपर ये लकड़ी की फिनिशिंग जो दी है ये बुशहर रीजन की जो वुडवर्क है उसका मिश्रण है, काफी सुंदर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये पैलेस है। तो बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड ये जगह है और एंट्री बिल्कुल यहाँ पे फ्री है। पार्क है और पेड़ है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये पैलेस है और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड ये पेड़ जो सभी हवा चल रही है, जो मौसम है काफ़ी सही हो रखा है और ये काफ़ी मज़ा यहाँ पे आ रहा है। शाम का वक्त हो रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं और बाज़ार की ओर चलते हैं रामपुर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जा रहा हूँ रामपुर के मेन बाजार में। तो दोस्तों पदम पैलेस के साथ में रोड से नीचे आपको यहाँ मेन बाजार के लिए सीढ़ी मिल जाएगी, तो चलते हैं दोस्तों। और ये हम पहुँच गए मेन बाजार में। तो दोस्तों आप देख सकते हो मल्टीपल शॉप्स हैं, मल्टीपल आइटम्स और वैरायटीज ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। तो काफी बड़ी दोस्तों ये मार्केट आगे की ओर गई हुई है। तो दोस्तों मेन बाजार के ठीक नीचे सतलुज नदी बह रही है जिसको संस्कृत में शतुद्री कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए TNT रैलिश।